गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग फ्रॉम आदर्श महाविद्यालय। हमारा अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है अकाउंट्स में? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चैप्टर नंबर 3, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें कौन कौन से हमने मेथड कर चुके हैं? एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, चौथा कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें और एक मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, इसमें भी 6 स्टेप्स हैं। सम्स को करने के लिए आपको 6 स्टेप याद रखने पड़ेंगे, बिल्कुल इजी है। इसमें फर्स्ट स्टेप कौन सा है? इन्वेस्टमेंट कैपिटल, टोटल एसेट्स लेस एक्सटर्नल लायबिलिटी। सेकंड स्टेप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो हमको सम में इसका परसेंट दिया होगा। थर्ड नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? इन्वेस्टमेंट कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो फर्स्ट स्टेप है इसको इनटू करेंगे सेकंड स्टेप के साथ, तो हमको इसका अमाउंट मिल जाएगा। फोर्थ स्टेप एवरेज प्रॉफिट, जो हमने फर्स्ट मेथड किया था, कौन सा मेथड था फर्स्ट? औसत लाभ। कैसे करते हैं प्रॉफिट को, जो 4-5 साल का जो प्रॉफिट होगा उसको ऐड करके नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देते हैं, वो हमको मिल जाएगा। फिफ्थ नंबर स्टेप कौन सा है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कैसे मिलता है? एवरेज प्रॉफिट। फोर्थ स्टेप लेस करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, जो हमको थर्ड स्टेप मिलता है। फोर्थ स्टेप लेस थर्ड स्टेप, ठीक है। इसके बाद गुडविल, गुडविल कैसे निकलेगा? तो फिफ्थ नंबर सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कौन सा स्टेप? फोर्थ स्टेप डिवाइडेड बाय सेकंड स्टेप। ठीक है, आपको 6 के 6 स्टेप अच्छी तरह से याद करने पड़ेंगे, तभी हमारा सम इजीली होगा। ठीक है, एक बुक में सम है रिच मेथड का, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड का, जो पेज नंबर कौन से पे है? 106 पे, 11वां नंबर सम, क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 106। ठीक है, चलो सम को रेट करते हैं। प्रभा और प्रभु की साझेदारी पेड़ी की ख्याति की कीमत अधिक लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति से, कौन सा? सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से पद्धति से निश्चित कीजिए। इसमें क्या क्या डिटेल दिए सम में? इन्वेस्टमेंट कैपिटल 9 लाख, एक्स नॉर्मल प्रॉफिट यानी अपेक्षित मुआवजा दर 12%, अंतिम 5 वर्ष का लाभ लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट, जो दिया 2012-13 1 लाख, 2013-14 140,000, 2 लाख, 2014-15 130,000, 2015-16 150,000, 2016-17 में 180,000 दिया है। अभी हम इसकी कैलकुलेशन देंगे। सब में हमको क्या इन्फॉर्मेशन दी है? फर्स्ट विनियोजित पूंजी इन्वेस्टमेंट कैपिटल कितनी है, सीधा सीधा दे दिया, कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट कैपिटल कितनी है? 9 लाख, डायरेक्ट आंसर में दे दिया। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ऐसे कैलकुलेशन हो गया 9 लाख। सेकंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है? 12%, 12%, ये भी सीधा सीधा दे दिया। थर्ड स्टेप हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे बनेंगे? पहले इन्वेस्टमेंट कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट कैपिटल कितनी है? 9 लाख का 12%, 9 लाख इंटू 12%। ठीक है, करो 9 लाख को 12% कितना आता है? 1,08,000, 1,08,000। फोर्थ स्टेप क्या है? एवरेज प्रॉफिट, तो हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दिया है ना 5 साल का प्रॉफिट 2012-13 से लेकर 17 तक, और ये प्रॉफिट, ये और प्रॉफिट 2012-13, 2014-15, 15-16, 2016-17, 5 साल। ठीक है, कितना कितना है?
1 लाख, फिर 1,40,000, 1,30,000, 1,50,000 और 1,80,000। टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? तब प्लस करो अपना रख 7 लाख। ठीक है, आया सबको समझ में? 7 लाख कैसे है? सबको प्रॉफिट को एड कर दिया। ठीक है, जो अभी अपना एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाल रहे हैं? 7 लाख। नंबर ऑफ इयर्स कितने? 5। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7 लाख डिवाइड 5, कितना आ रहा है? 1,40,000। हमारा फोर्थ स्टेप का आंसर क्या आया? 1,40,000। ठीक है, आया समझ में? बस अब फिफ्थ नंबर स्टेप, सुपर प्रॉफिट निकालें। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? फोर्थ स्टेप लेस थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप का कितना आंसर है? 1,40,000। 1,40,000 और सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप का आंसर कितना है? 1,08,000। लेस करो कितना आ रहा है? 1,40,000 से 1,08,000 गया, लेस किया तो कितना? 32,000, 32,000। आया समझ में सबको? ठीक, इसके बाद नेक्स्ट सिक्स नंबर स्टेप कौन सा है? गुडविल निकालनी है, जो हमारा मेन आंसर है। गुडविल कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट डिवाइड नॉर्मल लेवल। कैसे? जो सुपर प्रॉफिट हमारा फिफ्थ नंबर जो स्टेप है उसको डिवाइड कर देंगे सेकंड नंबर स्टेप के साथ। यहां कर लेते हैं कितनी? 32,000 डिवाइडेड बाय 12%, कितना है? 2,66,667 पॉइंट्स आ रहा है। कितना आंसर है? 266,666 आ रहा है, पॉइंट को कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा मेन आंसर कितना आया? गुडविल कितनी है? 2,66,667 जो हमारा इसका आंसर आया। ठीक है, आई होप आपको सबको समझ में आया बस हम। ठीक है, तो जहां तक हमारा जो गुडविल का जो चैप्टर है वह पूरा हुआ, सब सम हमने मोस्ट ऑफ तो कर लिए हैं। कुछ आपको होम असाइनमेंट में देना है, जो इसमें एग्जांपल ले लीजिए आप। एग्जांपल नंबर 8 और 9 आपका होम असाइनमेंट क्या है? होमवर्क आपको करना है एग्जांपल नंबर 8 और 9। ठीक है, ये होमवर्क आपको क्या करना है करके मुझे आप, मैंने आपका एक ग्रुप बनाया है होमवर्क का अकाउंट्स का अलग से, आपको उसमें पिक्चर्स सेंड करने हैं और इस टॉपिक के रिलेटेड या पहले जो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप कुछ भी किया है, जो चैप्टर हुए हैं, कुछ भी डाउट हो तो मुझे फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं और आप ज़रूर होमवर्क कीजिए और मुझे उसका पिक्स भेजिए। कुछ भी आपको डाउट हो सब्जेक्ट के रिलेटेड तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।